किया गया था, तीन लेबर कोड 1970 के समय और एक 2019 में ही पास किया गया था, कोड ऑन वेजेस। और इसका पास करते वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में ना प्रतिपक्ष नहीं था, उन्होंने सत्र का बहिष्कार किया था फार्म लोग के प्रोटेस्ट के अनुसार, प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी दौरान बिना कोई चर्चा के ये तीनों कोड बिल पास किए गए सत्र में, और इसी पर आज चर्चा के लिए हम सभी जुड़े हैं। जो चार कोड है वो उसमें से एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 220, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। साथ ही में जो 2019 में पास किया गया था कोड ऑन वेज है, तो इसी पर हमारा चर्चा होगा। और इस इन कोड के पास होने के कारण मजदूर संगठन एवं मजदूरों पर क्या असर पड़ेगी, उस पर उन पर क्या क्या विपत्त आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए हमसे आज हमारे साथी विष्णु शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट है और एक एडवोकेट है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस कोड के बारे में हमसे बात करें, और इस कोड की जो दिक्कतें आएगी इस कोड के कारण, उसके बारे में भी हमें जरा समझाएं। श्री विष्णु शुक्ला जी, नमस्कार सर। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आज का दिन बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। ये है कि आज 5 मई है काल और मार्क्स पांच का मई जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। तो मैं उनके जन्मदिन की बधाई सभी साथियों को देते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने मजदूरों को लेकर के इस बात को समझा कि मजदूर कैसे जो अपनी कमाई है उसमें अपने हिस्से की बात कर सकते हैं और वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली मेरी जो छोड़ के अपनी बात रख सकता हूं, वरदराजन जी, मैं दो हिस्सों में करके अपनी बात को रखना चाहूंगा। हाँ सर, जरूर। मैं दो हिस्सों में इसलिए चाहूंगा कि एक हिस्सा तो यह है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से श्रम कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ, मोटा तौर पर संक्षेप में, और हाँ सर, दूसरा पार्ट ये जो हमारे चार श्रम कानून हैं, इन कानूनों में क्या खास है। थोड़ा मैं आज अपने आप को बहुत संतुलित नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। आज मेरे एक बड़े भाई थे चचेरे, उनका स्वर्गवास हो गया और इतना सब कुछ हुआ कि हम लोग साथ खेले थे, बड़े थे, पढ़े थे, और अचानक ऐसे हो गया ये कोविड की वजह से। तो वो एक और जो है हमारे लिए बहुत असहज होने वाली बात है। बहरहाल मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वास्तव में हिंदुस्तान में जो पहला कानून कह सकते हैं वो कारखाना कानून था और ये 1881 में बना था। और मूल रूप से जब ये 1881 में बना तो इसके पीछे जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो उस समय तक बहुत सारे तरीके से काम लेते थे, काम की कोई शर्तें हुआ नहीं करती थी। किसी भी एज ग्रुप का कोई भी आदमी कितने भी घंटे कैसे भी काम कर सकता था। और इन परिस्थितियों में लोगों को काम करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते कि फैक्ट्रीज एक 1881 में लाना पड़ा और इस वजह से भी लाना पड़ा क्योंकि उस समय जो बरतानिया हुकूमत थी तो ये लग रहा था कि वहां पर जो काम करने की शर्तें हैं ब्रिटेन में और यहाँ पर उनमें काफी फर्क है और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कुछ फैक्ट्री ओनर्स के ऊपर अंकुश लग सके। बात यह है कि ये सारे जो बातें चली कानून लागू करने की, ये कानून लागू करने की बातें खाली जो है हमारे मुल्क में नहीं चल रही थी बल्कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव काम कर रहे थे, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में भी मजदूर कानूनों को लागू करने की बात आई। आज की तारीख में अगर देखें तो बड़ी विडंबना की बात यह है कि वर्ष 1974 में एक रेलवे की स्ट्राइक हुई थी और उस रेलवे की
स्ट्राइक को दमन करने के लिए उस समय एस्मा और डीआईआर मेंटेनेंस जैसे मीसा जैसे कानून लाए गए, जिनके चलते करीब करीब 20,000 लोगों को जेलों में डाला गया और करीब करीब 16,500-17,000 लोगों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। तो बहुत बुरा दौर था और इस दौर को देखते हुए ऐसे लगता है कि जैसे कानून हमारे एक तरफ थे और कानून को पालन करवाने वाले वो किसी और के हाथों में चल रहे थे। ये 74 की बात करते हुए मैं 1881 की बात इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो दो हिस्से हो गए हमारे मजदूरों के कानून के, एक जब हम ब्रिटिश के अधीन थे और दूसरा जब हम आजाद हो चुके थे। तो हमारे आजादी के बाद भी जो दुर्दशा थी खासतौर से कर्मचारियों की, मजदूरों की, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन उस तरीके से नहीं आया। और जो हड़ताल जैसे बुनियादी अधिकार थे उन सबको कैसे दमन किया जाए, इसके लिए शासक वर्ग हमेशा मालिकों के साथ खड़ा होता रहा। ऐसे हालातों में बहुत विचित्र सी स्थिति रही और आज ये चार कानून लाए गए हैं। लेकिन इन चार कानूनों को लाने के पहले जो लगातार श्रम कानूनों को थोपने का काम किया गया वो अपने आप में बहुत अविस्मरणीय है। करीब करीब यूं कह सकते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था उस समय हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक क्लास कॉन्शसनेस आती जा रही थी, एक वर्ग चेतना आती जा रही थी और उसके चलते लोग जो हैं अपने तरीके से संगठित हो रहे थे। हालात ये थे कि ये जो 1889 में कानून आया था इसमें भी लोगों ने बदलाव की बात करनी शुरू कर दी थी और तिलक साहब जैसे जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है और हिंदुस्तान में मजदूरों को जो टेक्सटाइल वर्कर खासतौर से बंबई महाराष्ट्र काम करने वाले थे उनकी कोई सेवा शर्तें नहीं थी। मूल रूप से अगर देखें तो उस समय हमारे मुल्क में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, जो कॉटन टेक्सटाइल मिलें थी, जूट की इंडस्ट्री थी और प्लांटेशन का बड़ा काम था जो कि असम वगैरह में हुआ करता था। और इन सारी चीजों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए और वहां पर मजदूरों के हालात के बारे में उस समय के जो लेखक हैं वो लिखते हैं कि पत्तियां तोड़, चाय की पत्तियां तोड़ते समय अगर निर्धारित मात्रा में सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद महिलाएं लड़कियां पत्तियां नहीं तोड़ पाती थी चाय की, तो उनको सर के ऊपर टोकरा रख करके और नंगा करके खड़ा कर दिया जाता था और पीछे से उनके ऊपर हंटर चलाए जाते थे। जो बच्चे थे वो 7 साल से 9 साल से 10 साल और इस तरीके से काम करते रहते थे। और चूंकि शुरुआत के दिनों में बिजली से कारखानों के चलने की कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए काम के घंटे सर्दियों में 11.5 से 12 घंटे तक होते थे और गर्मियों में ये 14-14, 15-15 घंटे हुआ करते थे। इन खतरनाक हालातों में लोगों को काम करना पड़ता था और वो भी माइंस तक में काम करना पड़ता था। 1870 में तकरीबन 18 टेक्सटाइल मिलें काम कर रही थी बंबई में और उनमें लगभग 10,000 वर्कर काम करते थे। 91 में आते आते और उस समय कोई जो है ये जो इंटरवल होता है 8 घंटे के बाद में जो आजकल हम लोगों को मिलता है, उस समय 14-14 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का भी इंटरवल नहीं हुआ करता था। ये एक बड़ी विडंबना थी। तो जब तिलक साहब वगैरह ने इन सब लोगों ने इन चीजों के ऊपर जोर डाला तब जाकर के इस तरीके के हालात बने कि आधा घंटा लोगों को लंच के लिए ब्रेक दिया जाना शुरू किया गया। ऐसे हालात में लोग काम कर रहे थे और तभी जो लंका शायर कह सकते हैं कि वहां की एक बात उठी और वहां के लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान से जो टेक्सटाइल का उत्पादन हो रहा है, हिंदुस्तान का जो कपड़ा है वो सस्ता है और इस यहाँ के जो मालिक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन सारी चीजों के चलते उन्होंने
वहां पर आवाज उठाई, एक कमीशन भेजा कि जो यहाँ की स्थितियों को देखें और अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन इत्तफाक से उस कमीशन की रिपोर्ट को वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वो ज्यों का त्यों चलता रहा। जो तिलक साहब ने स्ट्राइक करी थी पहली, वो 1905 के आसपास की थी। 1905 जुलाई में जो उन्होंने स्ट्राइक की थी, उस समय एक तहलका समझ गया, क्योंकि लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि टेक्सटाइल वर्कर्स इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे। और वो स्ट्राइक बड़ी एक दिन की थी, लेकिन पूरी तरीके से सफल रही। इसी तरीके से 6 के आसपास 1906 में मार्च का, शायद मार्च अप्रैल का समय था, तब रेलवे की भी एक स्ट्राइक हुई और उससे चलते भी ब्रिटिश हुकूमत बहुत परेशान हुई। इसी सब पूरी प्रक्रिया के दरमियान जब तमाम दुनिया भर में हलचल हो रही थी, तब 1920 में आकर के एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तौर पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, जिसमें मूल रूप से वामपंथी लोग ज्यादा सक्रिय थे, उनको प्रादुर्भाव से आईटेक का जो है स्थापना हुई। 1928 में आके रॉयल कमीशन आया और जो यहाँ की कंडीशंस वर्कर्स की, उनके बारे में एक बृहत रिपोर्ट बना करके ले गया। और उसने वहां पर जो उनकी मंशा थी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये कि जो ब्रिटिश मिल ओनर्स हैं उनके मुनाफे को जो हिंदुस्तानी मिल ओनर्स हैं उनके मुनाफे से कैसे जो है ठीक तरीके से नापा जाए और उनका मुनाफा संरक्षित किया जाए, यहाँ के लोगों का मुनाफा कम हो, इस गरज से वो काम किया गया था। लेकिन इस सब के चलते हुआ ये कि कुछ कानून बने और इसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट आया। सबसे पहले 1934 में, 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। और उसके जो मोटर व्हीकल एक्ट था, ये मोटर व्हीकल एक्ट वास्तव में एक तरीके की स्थिति पैदा करने के लिए था कि जो लोग कारों में चलते थे, वो कारों में चलने की खातिर जो ड्राइवर हुआ करते थे, उनकी उम्र निर्धारण करने के लिए था और उनको एक तरीके का एक लाइसेंसिंग के पैटर्न के ऊपर काम दिए जाने की बात थी, जिसमें जो साधारण कार चलाते थे उनके लिए उम्र 18 साल रखी गई और जो ट्रांसपोर्टेशन की मशीनरी व्हीकल चलाते थे उनके लिए 20 साल की उम्र निर्धारित की गई। ये वो दौर था जब लगातार प्रेशर बन रहा था सरकार के ऊपर, जब तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर रहे थे। और तभी जो है 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया, जो अभी तक लागू रहा। अब जाके ये जो चार कानून बने हैं, इन चार कानूनों के चलते उसको भी उसी का एक हिस्सा बना दिया गया। और ये वास्तव में लोगों को एक तरीके की सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए था कि जो वर्क प्लेस के ऊपर काम करते हुए लोग कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनके अंग भंग हो जाते हैं, उनको दूसरी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको कैसे जो है इस तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाए कि उनके जो वारिस हैं या वो हैं, उनके जीवन के लिए एक न्यूनतम स्तर की जो सुविधा है वो हासिल हो पावे। 36 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया और इसके भी कारण मुख्य तौर पर ये थे कि जो श्रमिक हैं उनको कैसे जो वेतन भुगतान की समस्या है उससे कैसे जो है सुधार लाया जाए, क्योंकि काम के घंटे, काम वेतन भुगतान कब कितना किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। और इसी के चलते जो एटक जैसे लोग संगठन आए अस्तित्व में, सरकार को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी लाना पड़ा, जिसके आधार पर आज हम लोग जो है एक ट्रेड यूनियन का काम करते हैं और ट्रेड यूनियन बना करके मजदूरों के, हालांकि अब तो वो भी बहुत कठिन होता जा रहा है, जिसको हम अगले जो दूसरा चार कानूनों वाली बात है उसमें आ करके हम उसके लिए भी बात करेंगे। 1929 में, हाँ ठीक, 1929 में मजदूरों की और मालिकों की ये जो स्ट्राइक हुई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, इन सब के चलते हुए एक अभूतपूर्व सी स्थिति बनने लगी थी। और ये कि मालिक और मजदूरों के बीच में कैसे एक सामंजस्य बिठाया जाए, एक औद्योगिक सौहार्द कैसे कायम किया जाए,
इस गरज से एक मैकेनिज्म स्थापित करने की जरूरत समझी गई, और ये कि उनके बीच में कोई समझौता कैसे कराया जा सके, इस गरज से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में पहली बार लाया गया। और इसका मकसद ये था कि मालिकों और मजदूरों के बीच के जो विवाद हैं उनको कैसे समझौतों के द्वारा सेटल किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब ये सब कुछ दौर चल रहा था और आजादी की भी बात शुरू हो गई थी, तब पहली बार दुनिया के इतिहास में संभवतः पहली बार हिंदुस्तान में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूर महाजन का गठन किया और एक दिन की एक सफल स्ट्राइक की, जिसके चलते बरतानिया हुकूमत पूरी तरीके से हिल गई और उनको लगा कि ये एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तो मालिक और मजदूर दोनों लोग साथ होकर के कह रहे हैं कि नहीं, हम इस तरीके से नहीं, ऐसे जो है हम अपनी समस्याओं को हल करेंगे। और उनका नियंत्रण जो है हर कारखाने के ऊपर से कहीं से घटता हुआ लग रहा था, और जिसके चलते वहां पर ये एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई और सरकारों को ये सोचना पड़ा कि नहीं, कुछ नए तरीके से कानून को लाना पड़ेगा ताकि मजदूरों को नियंत्रित किया जा सके। 5 मार्च 1940 एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब टेक्सटाइल वर्कर्स के लगभग 2.25 लाख मजदूर बंबई में हड़ताल पर गए, और वो उनके हड़ताल पर जाने के कारण मुख्य तौर पर यह था कि मजदूरों ने पहली बार अपने काम के घंटों की बात नहीं करी, मजदूरों ने पहली बार अपनी तमाम वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात नहीं करी, और उन्होंने अपने पगार की बात करते हुए ये कहा कि हमको महंगाई भत्ता चाहिए। 40 दिन तक स्ट्राइक चली डियरनेस अलाउंस को लेकर के, तब जाकर के वो बात उनकी मानी गई और लोगों को ये समझ में आया कि स्ट्राइक की ताकत क्या होती है, कारखानों में स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। जो प्रभावी तौर पे पार्टी काम करने वाली थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1930 में कराची कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा और कहा कि नहीं, जो मजदूरों का और मालिकों का डिस्प्यूट है, उनके बीच में जो औद्योगिक शांति सौहार्द की बात है वो अगर कायम रखनी है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक इस तरीके का कानून लाएं। और ये पहली बार मजदूर किसी पार्टी के, हिंदुस्तान की पार्टी के एजेंडे में आए। इस तरीके से ये एक सिलसिला रहा और काम मजदूरों के कानूनों का बनने का काम और मजदूरों के संघर्ष का काम चलता रहा। इसी बीच जैसे आम सभी लोग जानते हैं, संघर्ष तेज हुआ, मजदूरों की जबरदस्त भागी रही और भागीदारी के चलते लगातार ऐसी स्थितियां बनी कि अंग्रेजों को यहां से छोड़ना पड़ा, और तब जाकर 47 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, 48 में मिनिमम वेजेस का कानून आया, 48 में ही फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया, और इन सब कानूनों को जो मौजूदा कानून अभी भी हैं वजूद में, क्योंकि ये अभी जो 4 कानून आए हैं इनमें से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को छोड़ करके बाकी के रूल्स अभी नोटिफाई नहीं हो पाए हैं, इस वजह से वो सारी चीज जो है थोड़ा सा ठंडे बस्ते में है, बाकी ये सब कुछ चल रहा था। इस एक चीज का और मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि जो ईएसआई का कानून, जो प्रोविडेंट फंड का कानून, ये सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अलग से लाए गए और इनके लिए तहत ये व्यवस्था की गई कि जो जिम्मेदारी है वो एक थोड़ी सी मजदूरों के ऊपर रहेगी, थोड़ी सी मालिकों के ऊपर रहेगी, तरीके की होनी अनहोनी के समय जरूरत पड़ेगी तो वो उससे उनकी भरपाई की जाएगी। इसी गरज से ईएसआई का कानून पहले आया और बाद में फिर अंतरराष्ट्रीय आईएलओ के दबाव के चलते प्रोविडेंट फंड जैसा कानून भी देश में लागू किया गया। 66 में विजयन गडकर साहब की अध्यक्षता में पहला जो श्रम आयोग बना उसने अपनी कुछ सिफारिशें दी।
विडंबना की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जितिन गडकर साहब, उनकी उन सिफारिशों को भारत सरकार ने सुना, देखा, सुना और उसको बंदोबस्त में डाल दिया। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, उनकी बेहतरी और उनके जो कारखाने में पूंजी लगी है उसके लाभ में उनका कहीं कोई जो है हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, ऐसा कोई उपाय सरकार को समझ में नहीं आ रहा था। एक उलट प्रक्रिया चल रही थी, उलट प्रक्रिया ये चल रही थी कि जहां जहां से आवाजें उठ रही थी और ये हो रहा था कि नहीं किसी भी रूप में हमें जो है हक चाहिए अपने, तो सरकार की कोशिश ये होती थी कि कैसे उनके हकों को दबाया जाए। जब इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बड़े विडंबना की बात है कि 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार आई उसने भी मजदूरों के दमन में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं की। और उसके पहले दो बड़े शिकार हुए, एक कॉमरेड शंकर गुहा नियोगी और दूसरा धनबाद के एमपी थे कॉमरेड एके राय। और उस समय जो कानून ला रही थी सरकार जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, जिसकी वजह से ये लोग गिरफ्तार हुए थे, वो नाम दिया गया था लेबर रिलेशंस बिल। और उसमें सारी चीजें जो हैं इस बात पे थी कि किस तरीके से श्रमिकों के ऊपर मजदूरों मालिकों का और सरकार का नियंत्रण स्थापित हो, जिसके चलते इन लोगों ने विरोध किया, समझ रखते थे और उस जो लेबर रिलेशन बिल था उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। बाद में थोड़ा सा पहले, बाद में नहीं कहना चाहिए, थोड़ा पहले जब सस्ती शुगर मिल का केस खास तौर से और जेके कॉटन जैसी जगहों के जो केस आए और जिनके द्वारा ये कहा गया कि नए जो कारखानों में लगातार काम करने वाले लोग हैं वे बेशक मालिकों मैनेजरों के बंगलों पे काम कर रहे हों, वे बेशक लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हों, वे बेशक किन्हीं और दूसरी जगहों में माली के तौर पर या किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको भी आपको कंपनी का कर्मचारी मान करके, कारखाने का कर्मचारी मान करके उनको उस तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिसके चलते बहुत जबरदस्त संकट मालिकों के सामने पैदा हुआ और मालिकों ने सरकार के ऊपर दबाव डाला। जब सरकार के ऊपर दबाव डाला तो 70 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 आया। सरकार जैसे आप सभी लोग जानते हैं चतुर होती है, तो जब एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ला रही थी तो दूसरी तरफ वो बोनस एक्ट भी ले आए, और ये बताने के लिए कि मुनाफाखोरी में हम मजदूरों को भी कहीं कोई हिस्सा देना चाहते हैं। और शुरुआत में 4% बोनस की बात हुई थी तो बोनस एक्ट भी आ गया। इस तरीके से एक बैलेंस साधने की कोशिश की गई मालिकों और इनके बीच में। आज की तारीख में हमने हमारे बहुत सारे साथी, मुझे पता नहीं कि कौन कौन से साथी जुड़ गए हैं, लेकिन देखने की चीज ये है कि जस्टिस वी आर कृष्णा जैसे जो विद्वान न्यायमूर्ति थे उन्होंने सन दिसंबर 1985 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक कानून बनाने की पिटीशन पार्लियामेंट की कमेटी को दी। और हम और हमारे मित्र लोग लगातार संघर्ष करते रहे, 85 से लेकर के 86 और 96 में आकर के वो कानून लागू हुआ। 96 में आने के बाद वो कानून 2006 तक नहीं लागू हुआ और सरकार उसको बिल्डर्स के दबाव में ठंडे बस्ते में डाले रही। कई सरकारें आई गई, ये सब कुछ हुआ। और 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई तब उस कानून को लागू करने के आदेश हुए, लेकिन कानून नहीं लागू हुआ। जब 2010 में जो 2006 का ऑर्डर था उसको नहीं माना सरकारों ने, तब कंटेम्प्ट की अवमानना की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उसके बाद वो कानून हिंदुस्तान में लागू हुआ और वो बिल्डिंग वर्कर्स कानून है। ये कानून जो था वास्तव में एक मॉडल कानून था जो डॉक वर्कर्स के
वर्किंग कंडीशंस के आधार पर तैयार किया गया था और सरकार इसको लागू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने डॉक वर्कर्स की जो यूनियन है उनकी प्रभावशालिता को देखते हुए उस मॉडल को, जो बिल्डिंग वर्कर्स का पिटीशन दी गई थी कि इस तरीके का कानून बनाए, इसलिए नहीं लागू किया क्योंकि सरकार को ये संभावना थी कि बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी संगठित असंगठित क्षेत्र की श्रम शक्ति है वो यूनाइट हो जाएगी, तो इसलिए उस कानून को न ला करके उन्होंने एक ऐसे लुंज पुंज सा कानून ले आए और उसको थोप दिया। लेकिन ये जो सारी चीजें थी ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए इसलिए भी समस्या पैदा कर रही थी कि बीच बीच में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ ऑर्डर्स कर देते थे। जैसे बेंगलोर वाटर सप्लाई का केस था, अब उस बेंगलोर वाटर सप्लाई के केस में सरकार ने जिस सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया उसके हिसाब से जो भी सिस्टमेटिक काम है वो सब इंडस्ट्री से परिभाषित हो जाते, और चूंकि वो इंडस्ट्री से परिभाषित हो सकते थे इसलिए वो इंडस्ट्री डिस्प्यूट बन सकते थे, वो उनका निपटारा लेबर कोर्ट को करना था। ये जो लेबर कोर्ट है जो इनके मंशा जो प्रियम्बल में लिखा गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की स्पीडी रेड्रेसल का काम करेंगे, वहां पे आज 25-25, 30-30 साल तक के काम केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ये एक बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। सरकार ने जब इन कानूनों को, चार कानूनों को लाने का काम किया, तब उन्होंने दर्शाने की ये कोशिश की कि हम ये जो कानून ला रहे हैं ये वास्तव में इस गरज से ला रहे हैं कि हम मजदूरों को एक स्पीडी न्याय दिलाएंगे, और खाली ये नहीं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बल्कि बाकी सब। तो सबसे पहले उन्होंने, जैसे होता है और इसके पहले भी साजिश की गई, जो हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं वो जानते होंगे कि राजस्थान में सबसे पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी जिसने इसी तरीके के कानून लाने की कोशिश की, लेकिन तब बाकी जो जगहें थी वहां से विरोध खड़ा हुआ, राजस्थान सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ा। आज की तारीख में वो सारे कानून जो कभी राजस्थान की सरकार लाई और जिसको केंद्र सरकार और बाकी सरकारों के दबाव में वापस लेना पड़ा था, ये जो मौजूदा चार कानून हैं, लेबर कोड, पेमेंट ऑफ वेजेस कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये सारे के सारे अगर चीजें देखें तो कुछ पुराने कानून और कुछ वो राजस्थान में जो कानून लाए गए थे उनका सब कट पेस्ट मिला करके तैयार करके और पूरी मशीनरी ने अपनी जिम्मेदारी की, कर्तव्य की इतनी समझ ली। एक महत्वपूर्ण बात, लेबर जो ये हमारा कोड ऑफ वेजेस 2019 है, इसके बारे में करते हुए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पूर्व में जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था उसमें एक व्यवस्था दी गई थी, और व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि सन 36 का था, मजदूरों की स्थिति व्यक्तिगत तौर पे बहुत कमजोर होती थी, आज भी है। तो उस समय जो मजदूरों की वेतन की नाजायज कटौती होती थी या उनका जो वेतन रोका जाता था, उस सब के लिए इंस्पेक्टर हुआ करते थे, और वो इंस्पेक्टर जो है केस लगा देते थे और उनमें 10 गुना तक का जुर्माना हो जाता था, और जो बेनिफिशियरी है, जो भुक्तभोगी मजदूर है, उसको उसका इत्तला मिल जाता। आज की तारीख में वो इंस्पेक्टरेट को खत्म कर दिया गया, उन इंस्पेक्टर्स का नाम उन्होंने कर दिया इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। अब ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या करेंगे, ये साहब कारखाने में जाएंगे, और इनकी मुख्य तौर पे जो भूमिका बताई गई वो ये कि वो मजदूरों और मालिकों को जाकर के ये बताएंगे कि कोड ऑफ वेजेस 2019 के क्या प्रावधान है और उनको उन्हें कैसे जो है लागू करना है। सीधा सा मतलब ये कि वो जाएंगे और वहां जा करके एम्प्लॉयर को ये समझाएंगे कि अरे तुम अपने कागज ऐसे नहीं, ऐसे बना लो,
और हम तुमको जो है एक रास्ता बता रहे हैं, इस रास्ते से तुम अपनी जिम्मेदारी से भी बच जाओगे और जैसे तुम्हारा कारखाना चल रहा है ऐसे तुम अपना कारखाना भी चलाते रहोगे। अब दूसरी बड़ी चुनौती क्या है कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में एक तरीके की बात कही गई थी, यहां उन्होंने उसको पूरी तरीके से वैधानिक स्वरूप दे दिया और वैधानिक स्वरूप देते हुए ये तक कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन है। बोले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वो है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के जानकारी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो किसी काम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। तो पहले ये तय था कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो जिम्मेदारी है उसको वहन करेगा। आज की तारीख में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पूरी तरीके से अपने आप को निर्विकार भाव से अलग कर सकता है और ये कह सकता है कि नहीं, हमको जो है पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्टर से पूछो और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करो। अब कॉन्ट्रैक्टर कई बार जो है साल भर में या छह महीने में और कई बार तो बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ में आया काम, या कुछ लोग शौकिया आके उन्होंने ठेका लिया, लाइसेंस लिया और फिर नहीं कर पाए तो बीच में चले गए। तो ये जो पेमेंट है वर्कर्स का, ये कहां से कैसे होएगा, इसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जिम्मेदार बनाया उस तरीके से नहीं दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में या पहले का जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से व्यवस्था दी गई कि जो एम्प्लॉयर है वो जो वेजेस की डिफॉल्ट है, जो ड्यू वेजेस है उसकी नॉन पेमेंट है, जो अनवांटेड तरीके से किया गया डिडक्शन है, जो गैर वाजिब कटौती है, उस सबको रिकवर किया जा सकता है, वो अब इसमें उस तरीके की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। और जो ये फैसिलिटेटर हैं ये रही कहीं सही कसर पूरी कर देंगे। एक अच्छी चीज इसकी ये है कि जो पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपको हमारे जो वर्कर साथी हैं उनको अपना केस दायर करने के लिए एक साल की टाइम लिमिट होती थी कि एक साल के अंदर वो अपना केस मुकदमा दायर कर सकते हैं या इंस्पेक्टर दायर कर सकता है। अब उसकी लिमिट उन्होंने एक से बढ़ा करके तीन साल कर दी। किसी वजह से अगर कोई वर्कर एक साल के अंदर दो साल के अंदर नहीं अपना मुकदमा दायर कर पाया तो तीन साल तक दायर कर सकता है, ये एक उसकी विशेष वो हो गई। और दूसरी जो एक अच्छी बात कह सकते हैं, जो मुझे पता नहीं कि लागू होने की दशा में क्या बनेगी स्थिति, वो ये कि इन मुकदमों के निस्तारण के लिए, इन मुकदमों के फाइनल किए जाने के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया, जो मैं ये मानता हूं कि अगर 3 महीने के अंदर अगर मुकदमे का निस्तारण हो जाए, फैसला हो जाए, तो ये हमारे मजदूर भाइयों के पक्ष की बात है, ये एक अच्छी सी बात है। एक ये भी है कि इसमें पहले जो सिस्टम था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसमें जहां डिफॉल्टर होते थे एम्प्लॉयर एक बार दो बार तीन बार और जहां पे प्रोसिक्यूशन की बात आती थी तो सीएमएम के पास जो केस दायर करने की जिम्मेदारी थी वो श्रम विभाग की हुआ करती थी। इसमें एक ये व्यवस्था की गई है कि मजदूर, ट्रेड यूनियन, कोई सोसाइटी, लेबर डिपार्टमेंट, जो फैसिलिटेटर कम इंस्पेक्टर हैं, ये कोई भी सीएमएम के यहाँ जो वायलेशन करता है कोर्ट का वो लोग मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक चीजें ये कहा जा सकता है कि कोड ऑफ वेजेस में पहले के मुकाबले में जो सन 36 का है उसमें अच्छी भी है और कुछ खराब भी है। इस तरीके से ये एक ऐसा कानून है कि जिसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा, और इसमें अब की बार पहली बार ये किया गया कि 50,000 तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई जो पहले 500 थी, और 500 जुर्माना होने की वजह से मालिक बड़े आसानी से यहाँ सब कुछ जो है कानून का उल्लंघन करता था और वहां जाके सीएमएम के यहाँ वकील को भी नहीं करता था, 500 रुपया जमा करता था और सब में आकर के अपने घर में बैठ जाता था। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति।
जो इसमें अगर श्रमिक भाइयों को, मजदूर भाइयों को इस बात की जानकारी है, ट्रेड यूनियनों को जानकारी है, तो वो सीधे सीएमएम के यहाँ इस बात का केस भी डाल सकते हैं। लेकिन जानकारियां भी बहुत अभाव है, ऐसा मैं इस अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूँ। इसी तरीके का एक प्रावधान बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में है, लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन ने या किसी भी मजदूर ने या किसी भी सोसाइटी ने आज तक सीएमएम के यहाँ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो कानून है उसके उल्लंघन के संबंध में सीएमएम के यहाँ कोई मुकदमा नहीं दायर किया है। जो भी केसेस दायर हुए हैं वो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू ही दायर हुए हैं, किसी ने नहीं किया है। अब मैं दूसरा जो कानून है, इंडस्ट्रियल जो आपका रिलेशन कोड है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग के साथ चर्चा करना चाहूंगा। मैं चाहता तो ये था कि बीच में अगर कुछ साथी सवाल करना चाहते हैं तो वो भी जो है सवाल करते जाएं, जिससे कि मुझे जो है तात्कालिक तौर पर उसके बारे में स्पष्टीकरण देने का अगर मेरी जानकारी है तो सुविधा रहेगी, अन्यथा मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बात करता हूँ। तो जैसा आप लोग बताएं। वरदराजन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा एक सवाल यही था सर, आपने कहा कि ये लेबर मजदूरों तक या मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन तक पहुंचने में ये जो बात है लेबर कोड को लेके उसमें दिक्कतें होती है, तो इसमें सहभाग जो गवर्नमेंट अधिकारियों का जो सहभाग है या फिर श्रम कानूनों को मेरा मतलब श्रम विभाग का जो जो कर्तव्य है वो क्या है और क्यों नहीं कर रही या फिर कर रही है, तो उसमें क्या कमियां है, जो क्योंकि मजदूरों तक यह बात उनको जो मिलने वाली फायदा है या नुकसान हो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसमें क्यों मजदूर संगठन भी हो तो क्यों कम पड़ रहे हैं, क्यों नहीं मजदूरों तक यह बात पहुंच रही, उसका क्या कारण है और उसमें क्या हम बदलाव ला सकते हैं एक निजी तौर पर भी हो तो। मैं दो चीजें तो बिल्कुल सीधे तौर पे शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक तो ये कि यहाँ पर बैठे हैं हमारे संदीप पांडे जी, इन्होंने मेरे साथ 5 दिन तक आईआईटी कानपुर में अनशन भी किया मिनिमम वेजेस के सवाल को लेकर के, और जिस तरीके से वहां पर ठेकेदारों ने जब समस्या उत्पन्न की तो वहां पर एक कोऑपरेटिव का गठन इन सब साथियों के सहयोग से किया गया और एक विकल्प के तौर पर रखा गया। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो ट्रेड यूनियन है उसके पास एक व्यापक विजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक यूनियन के पास व्यापक विजन, संघर्ष की जो क्षमता है उसमें कमी, और साथ साथ उनकी नियत में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आती है, क्योंकि सुविधा भोगी हो जाने से उनका जो तालमेल है वो मालिकों के साथ बड़े आसानी से बड़े सुगम तरीके से हो जाता है, और दिखावे की लड़ाई होती रहती है, सचमुच की लड़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं। जो श्रम विभाग की जिम्मेदारी है वो वास्तव में है तो ये कि वो जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए जो कानून में भी लिखा है कि वो मजदूरों को और मालिकों को दोनों को जाकर के इस बात के लिए सलाह देंगे कि किस तरीके से उन्हें काम करना है और काम की क्या शर्तें हैं, कानून में क्या है और कानून का अनुपालन कैसे एम्प्लॉयर को करना है और श्रमिकों को किस तरीके से उसका सम्मान करना है। लेकिन वास्तव में जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो कारखाने में पहुंच करके जो मैनेजर का दफ्तर होता है वहां बैठ करके ठंडी हवा खाते हुए उनके साथ गपशप करके, और कहने की जरूरत नहीं कि वहां क्या होता है, चाय वाय पानी करने के बाद में आराम से लिफाफा भी होता है और वो चले आते हैं, तो अब उनको मजदूरों के साथ बैठने में ये भिन्न सी आती है, उनको लगता है कि वो ये उनके स्तर के नहीं है, वो तो मैनेजर के साथ बैठ के आ रहे हैं। तो हमारे मुल्क में हमारे संविधान में बहुत सारी बातें इस बात की कही गई कि समता और समानता की बात है,
आज भी मजदूर को उसके बराबर का जो दर्जा मालिकों के बराबर दिया जाना चाहिए था वो न दिया जा रहा है और न उसके बारे में सोचा जा रहा है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, ये बात सिर्फ कागजों के ऊपर की जाती रही, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में संविधान में कही गई, आज भी कानूनों के अंदर नहीं समावेशित किया गया। और जो कुछ थोड़ा बहुत सेबी जैसे जो कानून आए और जो बाकी के कानूनों की वजह से किया गया, वो वर्कर्स पार्टिसिपेशन के नाम पे उनकी काम के अंदर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए तो कहा गया, लेकिन सॉफ्ट फ्लोर से लेकर के जो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और जो पूरा प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज या प्रक्रिया है, उसमें उनकी कैसे हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसका कोई मैकेनिज्म, कोई प्रोविजन किसी भी कानून में नहीं रखा गया, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। और लोगों को इससे स्वाभाविक तरीके से समझ आने लगती है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अगर सही तरीके से हो तो लोग खुद समझेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ घपला किया जा रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, कितना मुनाफा हो रहा है, कितनी लूट हो रही है, कितनी घूस दी जा रही है, किस तरीके से चीजों को जो है एक वर्ग अपने हित में झुका रहा है, ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो ये जानबूझ के एक ऐसी साजिश की जा रही है। अच्छा, ये एक चीज और मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, जो मैं बताना किसी वजह से भूल गया, कि ये जो कोड ऑफ वेजेस 2019 है, ये चार कानूनों का मिश्रण है। इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है, इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है और इसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में पहले जो मशीनरी थी उसके इन्फोर्समेंट की बात कहीं नहीं थी। अच्छी चीज ये है कि अब ये जो कोड आया है 2019 वाला, इसमें बोनस के लिए लोग अपना खुद का जो है केस वहां पर दाखिल कर सकते हैं और जो स्टेचुरी बोनस है उसको क्लेम कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एम्बिग्विटी थी वो इसमें कोड ऑफ वेजेस में आकर के दूर कर दी गई। तो बहुत सारी कमियां हैं। मेरा ख्याल है कि मैं वरदराजन भाई के जो सवाल है उसको छू पाया हूँ, अगर नहीं छू पाया तो और दूसरे साथी भी अगर उसके बारे में कुछ, मैं संदीप पांडे जी जैसे जो लोग हैं जो IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट को भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये भी कुछ अपने एक्सपर्ट टिप्पणी तो कर सकते हैं मुझे लगता है। जरूर सर, हमारा उनसे भी निवेदन है कि वो अगर जानते हो इस बारे में तो जरूर बात करें। और जहाँ तक रहा आपने जो हमने कहा था वो चीजें तो बता दी, पर बात सवाल बस इतना ही है कि इसको कैसे बदला जाए। मतलब कानून तो बनते रहे हैं पर ये जो वास्तविक स्थिति है ग्राउंड लेवल मजदूरों के बीच, उसको बदलना अनिवार्य है, तभी तो इन कानूनों के फायदे नुकसान का जो भी है उन तक पहुंच पाएगा। तो इतना कहना चाहूंगा सर। मैं लीक से अलग हटके एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए कानून कैसे बनते हैं ये एक ही है, और कानून बनने के लिए क्या होता है कि एक कस्टम्स होती है, कस्टम्स चली आ रही है तो वो ओवर स्पैन ऑफ पीरियड वो कानून बन जाते हैं। दूसरा, जो तमाम इंटरनेशनल कोवेनेंट हैं, जो रेजोल्यूशन पास होते हैं उनके भी मानना, सुप्रीम कोर्ट का जो विशाखा वाला फैसला है, जो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस एके चोपड़ा का केस है, उसके चलते ये बंधनकारी हो गया है कि जो इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस हैं, कवेनेंट्स हैं, उनके लागू करने की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार को है। तो दूसरा कानून का तरीका ये है। तीसरा ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट और असेंबली है वो इसको कानून को समय समय पे लोगों को जनहित में देखते हुए वहां पर कानून बनाए। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 141 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो कानून है।
अब बात यह है कि ये कानून कैसे बनते हैं या कानून बन भी गए तो लागू कैसे होंगे। असल चीज ये है कि कानून तो सरकारें इसलिए बनाती हैं कि किसी वर्ग विशेष का वो हित चाहती है। आज आंदोलन नहीं है, आज पार्लियामेंट और असेंबली में हमारे प्रतिनिधि नहीं है या ना के बराबर, वो वहां पर बातचीत नहीं करते हैं या किसी वजह से वो वॉकआउट करके एक ऐसा वॉकओवर देते हैं सरकारों को कि जहां पर आसानी से जो सत्ता पक्ष है वो कानून को लागू कर दे। सड़क के ऊपर आंदोलन है नहीं। अगर हम किसी तरीके से न्यायपालिका, सभी साथियों को पता है आज जिस दशा में पहुंच गई है, उस दशा में आज उससे भी बहुत आशा की नहीं जा सकती है। हमने आप सोच सकते हैं कि 96 में निर्माण मजदूरों के कानून बने, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 2010 में 18 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डाली गई तब जाकर के उसको लागू करने की कार्रवाई शुरू की गई। 96 से लेकर के 2010 तक की यात्रा ऐसे हुई और आज भी लेटर और इस रूप में वो कानून नहीं लागू हो पा रहा है। तो एक चीज है अज्ञानता। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े साफ तरीके से इस चीज को कहा और वो समझते थे कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारी विडंबना है कि हम शिक्षित होना नहीं चाहते हैं। हम टीवी के सामने अपना पूरा समय दे सकते हैं लेकिन हम शिक्षित नहीं होना चाहते हैं। संगठन के नाम पे ये लगता है कि हम बहुत सारा अपना समय इस संगठन को देंगे और उसके एवज में तो हमें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि संगठन के पास कोई इस तरीके की स्थिति है नहीं। अब संघर्ष भी तब लोग करते हैं जब उनको लगता है कि उनके गर्दन में आके फंदा पड़ गया है तो संघर्ष करते हैं, नहीं तो अब तो लोग मुझे लगता है कि संघर्ष करना भी भूल रहे हैं। साफ देखिए सरकारों की तस्वीर। आज जो है मुझे पता चला, अभी किसी ने मैसेज किया कि कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से एम्स में राहत इलाज के लिए मदद मिल गई, एम्स के लिए कहा गया। कप्पन का कसूर क्या था? वो हाथरस जा रहा था ना, कौन सा इसमें बड़ा हो गया? गांधी जी बिहार जा रहे थे और वहां जाते हुए गिरफ्तार किए गए तो उनका अपने ही देश में कहीं जाने के लिए मुझे किससे परमिशन लेने की जरूरत है? लोगों के द्वारा जहां चाहे वहां नहीं जा सकते हैं। ये एक बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है और जिसके चलते संघर्ष की धार कुंद हो रही है। मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर हम लोगों को फिर से एक शिक्षित होने का और संगठित होने का काम करना पड़ेगा और तभी जाके हमारे मुल्क की जो माली हालत है वो बदलेगी। आज जो तमाम गैर वाजिब अनुत्पादक तरीके के कामों में लोग लगे हुए हैं और पता नहीं कौन कौन से नए नए से नारे लग रहे हैं, मंदिर बन रहा है, मूर्ति बन रही है और इस तरीके के बड़े बड़े से काम हो रहे हैं, इसमें ये छोटा सा काम जो है ये हम लोगों को करने के लिए है तो हम छोटे लोगों को इस काम को ये मानते हुए कि हम छोटे लोग हैं ये छोटा काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और साथ में ये विश्वास भी रखना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव जैसे विकल्प हो सकता है कि कहीं पे और दूसरे विकल्प भी हों, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात है, ऐसे विकल्प आए। कोऑपरेटिव की बात मैं इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पर संदीप भाई बैठे हैं कि हम लोगों ने जिस आशा और विश्वास के साथ ये सोचा था कि एक वर्कर्स कोऑपरेटिव बनाएंगे और बना करके वर्कर्स को सौंप देंगे तो वर्कर्स को हमने तो सौंप दी, लेकिन उसके बाद वो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव हो गई है और पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑपरेशन के वो काम कर रही है और वहां पे वो सारी जो समस्याएं किसी भी ठेकेदार और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बीच में होती हैं वो वहां पे सब विद्यमान है। अलावा इसके कि जो कोऑपरेटिव के वर्कर्स हैं उनको बस मिनिमम वेजेस तो मिल जाती है, उनको प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की सुविधा तो मिल जाती है, एक अच्छे ठेकेदार की भूमिका में है, एक अच्छे मजदूर आंदोलन को दमन करने में भी उसने अच्छी भूमिका निर्वाह की है। तो मैं फिर दूसरे कानूनों के बारे में बात करने के बारे में सोच सकता हूं, अगर और कोई सवाल है तो। नहीं है तो सर हमारे सवाल हो गए, धन्यवाद। संदीप सर कुछ कहना चाहते थे वो हमने शुरुआत में ही रोक दिया, तो कहना चाहते तो कह दे फिर आप। मैं सॉरी उनसे कही
वो जरा जरा एक मिनट रुकिए। हेलो जी। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं कह रहा था कि इस विषय पे मैं पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन इस विषय पे मेरी बहुत जानकारी नहीं है। बहुत मेरी सतही जानकारी है, विष्णु जी को ज्यादा गहराई से जानकारी है। तो आप ही बात रखिए, और अगर कोई साथी सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। कोई नहीं पूछ रहा तो शायद विष्णु सर अपनी बात पूरी कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता नहीं अभी कितना समय मेरे पास और है, मैं कितनी देर बात रख सकता हूँ, शायद देखिए, 8 8 बजे तक, जिसमें कि अभी 20 मिनट सात है। सात मिनट है, लेकिन आप अगर चाहें तो 10 15 मिनट ऊपर भी जा सकते हैं। हमारी अगली मीटिंग 8:30 बजे है, तो साढ़े हाँ हमारे पास समय है। मैं कोशिश जी, करता हूँ 10 मिनट बात को दूसरा कानून जिसने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड 2020 है, इसमें भी मेरे जैसे लोगों को बहुत दिक्कत है। ये मुख्य कानून ला, ये बातों के हितों की पूरी तरीके से कहा, और इसके कुछ खास प्रोविजन जो हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं जिनकी वजह से ये कानून अगर अगर क्या लागू तो हो जाएगा तो मजदूरों की स्थिति, कर्मचारियों की स्थिति वो बहुत ही दयनीय हो जाएगी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो परिभाषा है वो अपने आप में बहुत खतरनाक कर दी गई है। जैसे कर्मचारी की परिभाषा तो व्यापक कर दी गई है, लेकिन एम्प्लॉय की परिभाषा में सर आपका म्यूट है शायद। नहीं, वो कुछ जो है क्या होता है, टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा होता है और मेरे जैसे लोगों को ज्यादा जो है उसकी समझ है नहीं, तो बहुत समस्या रहती है। तो इसमें जो उन्होंने वर्कर्स की, इसमें भी कई सारे कानूनों को दबंजा किया, जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, जैसे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सारे एक जो है मिला करके उन्होंने एक कोड बना दिया और उसको कहा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें दो तीन चीजें उन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से जोड़ दी, और उसमें एक है फिक्स टर्म एम्प्लॉय, और ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है इसके लिए उन्होंने ये कर दिया कि 1 साल का अगर किसी का 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल काम करने के बाद उसका अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा, या 6 महीने का है तो 6 महीने के बाद समाप्त मान लिया जाएगा, या 2 साल का है तो 2 साल के बाद उसकी सेवाएं स्वाभाविक तौर से अपने आप समाप्त मान ली जाएंगी। अब इसकी समस्या ये है कि जो पहले हम लोग ये बात लेके चलते थे, अगर किसी वर्कर ने साल में 240 दिन निरंतर काम किया है, साल में 240 दिन काम किया है, तो उसको निकालने के लिए जो एम्प्लॉयर है उसको एक पूरी रिट्रेसमेंट की प्रोसेस है वो अख्तियार करनी पड़ेगी, एक सीनियरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक सरकार के पास दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि हम इन लोगों को इस वजह से ऐसे जो है रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, और ये एक कारण है कि जिसकी वजह से इनको जो है हमें छटनी करनी पड़ रही है, और उस तरीके के प्रोविजन। अब ये जो फिक्स्ड एम्प्लॉय है, जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय इन्होंने सब इसके अंदर घुसेड़ दिए हैं, इनसे होगा, और उसमें साथ में रिट्रेसमेंट सब को जहां रिट्रेसमेंट कहा उन्होंने परिभाषित किया कि कैसे रिट्रेसमेंट होता है, वहां पर उन्होंने कह दिया कि वो ऑटोमेटिकली उनकी सर्विसेज जो है वहां पे जाकर के जैसे ही उनका पीरियड जो टर्म ऑफ सेटलमेंट है वो पूरा होगा वो खत्म हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही
गैर जिम्मेदाराना बात है और इससे हर एम्प्लॉयर कोशिश इस बात की करेगा कि वो जितने भी अपने यहाँ पे कर्मचारी रखे वो उन सबको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा या उनसे कह देगा कि तुम 6 साल 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए 10 साल के लिए ऐसे रखे गए और वो दो। और उसको करना सिर्फ ये होगा कि जब वो उसको काम से हटा रहा है तो या तो वो 1 महीने का उसको नोटिस पे दे दे या 1 महीने के पहले उनको नोटिस दे दे और उसको 1 साल अगर उसने काम किया है तो उसको 15 दिन की तनख्वाह दे। तो इससे एक जो मजदूरों को काम करने में सहज तरीके से स्थायी होकर के और एक भाव पैदा होता था कि हाँ अमुक जगह हम काम कर रहे हैं और उससे हमको एक स्टेटस मिलता था, एक सामाजिक तौर पे हमको स्टेटस मिलता था, वो सब हमारा जो है इससे छिन जाएगा। और हम अच्छे कारीगर हैं इसके बावजूद हमारे सामने हर समय रोजगार का संकट बना रहेगा क्योंकि यहाँ से हम निकल के गए, अब उसके बाद हमको फिर कहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कम मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा एम्प्लॉयर है ये दूसरे एम्प्लॉयर को कह देगा कि अरे वो आदमी ठीक नहीं है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इंजीनियरिंग का जो एम्प्लॉयर है वो दूसरे इंजीनियरिंग उद्योग के एम्प्लॉयर से, जो लेदर का है वो दूसरे लेदर के आदमी से, जो टेक्सटाइल का है और टेक्सटाइल के दूसरे आदमी से आसानी से संपर्क रखता है, उनकी अपनी एसोसिएशन उनके संवाद होते हैं, उनसे आराम से बात कर लेगा। लेकिन हमारी यूनियनें तो बहुत कमजोर हो गई तो इस मजदूर की जो सेवा शर्तें हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगी और इसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो हम जिसकी दुहाई देते रहे कि स्टैंडिंग ऑर्डर है, हम उसके द्वारा जो है अपनी सेवा शर्तों को ठीक से मनवा लेंगे, अब वो नहीं मनवा पाएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर में भी ये प्रोविजन डाल दिया गया और पहले तो ये था कि स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए जो हम अपील करते थे उसमें एविडेंस के तौर पे जो हमारी ओरल एविडेंस थी वो मान ली जाती थी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ओरल एविडेंस कोई मतलब नहीं रखता, आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो है तो लाइए तो हम आपका वो कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल जो है ये नहीं देखने वाले कि आप किस तरीके से स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या परिवर्तन चाहते हो, क्या एम्प्लॉयर ने किया है और उसको हम क्यों एग्जामिन करें। तो ये दूसरा बड़ा संकट पैदा कर दिया गया है। रिट्रेसमेंट के लिए पहले जो ऐसे घपला करते थे कि सर लगता है उनका नेटवर्क खराब होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गए, अभी देख लीजिए आ जाएगा। अभी आर्टिफिशियल ब्रेक की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो सब आपकी स्वाभाविक तरीके से सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। इसी तरीके से जो स्ट्राइक की बात है, अब उन्होंने ट्रेड यूनियन के ऊपर ये लगाम लगा दी, एम्प्लॉयर के ऊपर उस तरीके की लगाम नहीं लगाई कि अगर आप स्ट्राइक में भाग लेते हैं और वो स्ट्राइक जो है किसी वजह से अवैधानिक हो जाती है तो आप के जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सफर करेंगे, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली और वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होएगा और वो क्रिमिनल एक्ट मानते हुए आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। इस कानून में ये भी व्यवस्था कर दी कि हर ट्रेड यूनियन को अपना बाकायदा रिटर्न दाखिल करना होगा और उस रिटर्न में ये बताना पड़ेगा कि उनकी इतनी मेंबरशिप है, इतना उन्होंने चंदा लिया है, इतना उन्होंने इस सब करके और इस तरीके से जमा किया है। जो पहले था वो ये हमारा रिटर्न फॉर्म जो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पास जाता तो था लेकिन वो वहीं जाता था, एम्प्लॉयर की जानकारी में नहीं होता था या किसी दूसरी उसकी जानकारी में नहीं था। तो ये जो हमारा निजी अधिकार था ट्रेड यूनियन का वो भी हमसे छीना जा रहा है। और आज की तारीख में अभी जो ये व्यवस्था थी कि 50% वो रहेंगे, अब वो सब तो खत्म हो ही गई,
अब सिर्फ 5 लोग जो है बाहरी लोग रह सकते हैं, और ये 5 लोग बाहरी कौन होंगे इसके लिए भी जो है अभी सहमति लेनी होगी उनको। तो ये बड़ी एक विचित्र तरीके की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। होना ये चाहिए कि एम्प्लॉयर को भी जो उन्होंने बनाया है अपना खाता, जो अकाउंट है, वो सब भी जो है वहां पर दाखिल करने चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस तरीके से ये कानून का वो अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है, जबकि मजदूरों के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए इस तरीके की बंदिश लगाई जा रही है। तो ये एक बहुत विचित्र सी बात है। संक्षेप में मैं थोड़ा सा फैक्ट्रीज एक्ट और सोशल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी दो दो शब्द कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। और सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में बात करते हुए इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, हिंदुस्तान में हर स्टेट में बीड़ी सिगार वर्कर्स का एक फंड होता है। हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, हमारा ESI का फंड है, ये सब जो है, जो सारे फंड है, ये काफी सारे लाखों करोड़ में। और अब बिल्डिंग वर्कर्स का जो सेस के द्वारा कलेक्ट किया गया फंड वो भी है। तो ये जो फंड है, सरकार की इन फंड को दुरुपयोग करने की पूरी मंशा है। इस गलत से ये एक सोशल सिक्योरिटी कोड ले आए, और उनकी मंशा है कि आज जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, जो पेंशन फंड है, ESI फंड है, जिसका कि वो इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हैं बाजार में नहीं कर पा रहे हैं, अब क्योंकि सेवायोजकों का दबाव है, तो वो फंड जो मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, जो उनके भविष्य के लिए, उनके कल्याण के लिए है, उस फंड का भी सेवायोजकों को सौंप के। और क्या हासिल होता है, मैं एक उदाहरण दे करके बात खत्म करूंगा कि एक DSCR होता है, और उसके चलते हर एम्प्लॉयर को, कंपनी मालिक को अपना जो शेयर है वो उसके जो बाजार से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से शेयर के माध्यम से जो लेता है, वो रेशियो 1:13 आइडियल माना गया। दिल्ली में जो नई दिल्ली से एयरपोर्ट तक के लिए मेट्रो बनाई गई, और मेट्रो का जो DSCR था वो 1:40,000 था, यानी 1 रुपया अगर अनिल अंबानी साहब ने लगाया है वो 40,000 रुपए तक बाहर से ले सकते हैं। नतीजा क्या हो रहा है, आज अनिल अंबानी साहब की स्थिति क्या है, सभी को पता है। तो ये जो पैसा हमारा पैसा है, जो सुरक्षित था, हम कल तक ये समझ रहे थे कि सरकार जो है ये हमारे पैसे की रखवाली कर रही है, ये सुरक्षित रहेगा सरकार के पास, और हमारे जब रिटायरमेंट होगा, हमारी जब जरूरत पड़ेगी, तब हम उस पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने वो एक चतुराई के साथ सोशल सिक्योरिटी कोड बना करके उस सब के ऊपर अपनी कुंडली मार के बैठ करके अपने जो आका लोग हैं उनको उस पैसे के इस्तेमाल करने के लिए पूरी एक विंडो खोल दी है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम हम ला रहे हैं, उसके द्वारा हम सारी चीजों को आसान कर रहे हैं। सारी चीजें किसके लिए आसान कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं, मालिकों के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कर रहे हैं। ये परवाह किसी को नहीं है कि एक मजदूर को अगर उसे बोनस चाहिए, अगर उसकी मिनिमम वेजेस की शिकायत है, अगर उसकी नौकरी की शिकायत है, अगर उसकी दूसरे फंड नहीं मिल रहा है, ESI का उसका प्रॉपर, उसके लिए होना चाहिए, मजदूर के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए होना चाहिए कि एक सिंगल विंडो, एक शिकायत एक जगह कर दे, और उसके बाद फिर वो चाहे जहां से हो उसकी समस्या का पूरा समाधान होना चाहिए। इसके बजाय उस सिंगल विंडो एम्प्लॉयर के लिए, जिनके पास हर तरीके के संसाधन है, उनके लिए खोली जा रही, ताकि वो आसानी से, सुविधा से व्यापार कर सकें। तो ये इस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मिनिमम वेजेस के फिक्सेशन से लेकर के और वर्क कमेटी तक के गठन की बात है। जो फैक्ट्रीज के अंदर हम सब लोग देख रहे हैं जिस तरीके से फायर प्रिवेंशन सर्विसेज का है, अग्निशमन का है,
वहां पे जो वेलफेयर ऑफिसर पहले होते थे, इन सब चीजों को अभी सब कुछ मालिकों की में स्ट्राइक आगजनी हो रही है। किस तरीके से कारखानों में दुर्घटनाएं हो रही हैं या वर्क प्लेस के ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये सब जो है बहुत ही अपने आप में गंभीर बात है। कुछ चीजें जरूर आप ये कह सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड में डालने की कोशिश की गई। अब जैसे वो उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह तो दिया, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे ये नहीं कहा उन्होंने। कहा कि ये वो फंड होगा जो वास्तव में वर्कर्स को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और वो फंड जमा कर दिया एम्बर के द्वारा और उसने क्लेम नहीं किया, उससे एक ऐसा फंड तैयार हो जाएगा जिससे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुझे पता नहीं कि कैसे ये लागू होगा। अब इसमें कहने के लिए उन्होंने तमाम गिग वर्कर्स और दूसरे जो वर्कर्स हैं सबको जोड़ दिया है, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ऊंचे वाले, इन सबके जो होना बहुत जरूरी था, लेकिन इन सब की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक नहीं है, वो एक हो और उन सबके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो और सरकार ये सुनिश्चित करे कि वो उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए एक निश्चित धनराशि जो सरकारी बजट बनता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बराबर से उसमें कंट्रीब्यूट करें और उनके लिए वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। चाहे वो आज की तारीख में ये पेंडेमिक चल रहा है, इस ऐसे समय में उन लोगों को सुविधा मुहैया कराने की बात, या दूसरे समय जब कभी किसी वजह से भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो उससे उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इन चारों कानूनों में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए ये कानून मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक वर्ग विशेष के हित के लिए है, एक तरीके से सस्ता एम्प्लॉयर को देने के लिए है, जनता मजदूर भाइयों को देने वाले हैं, इसलिए हम इन कानूनों के खिलाफ हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन कानूनों के छोटे छोटे से पर्चे बना करके और लोगों के बीच में वितरित करें, ये जानकारी दें कि ये कानून किस तरीके से आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है और इनसे बचने के लिए हमें एक मजबूत इच्छा शक्ति, राजनैतिक शक्ति, संघर्ष शक्ति के तौर पे अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। अन्यथा आज भी जो हमारे पास है वो भी हमसे खींचने की कोशिश की जा रही है। सरकार की मंशा है कि जो आखिरी पैसा एक आम आदमी की जेब में पड़ा है उसको कैसे निकाल के वो मालिकों को सौंप दें। कोई सोच सकता है कि जनधन योजना के जनधन खातों के नाम पर 13,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा हुआ और स्टेट बैंक को कह करके नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका में ये जो अडानी है इसको बैंक की गारंटी दिला दी और स्टेट बैंक ने गारंटी दे दी। नतीजा ये कि उस समय की जो चेयरपर्सन है आज वो एक रिलायंस में बड़े होते के ऊपर बैठी हुई है, इनके बैंकिंग का काम संभाल रही है। तो ये जो मानसिकता है, ये जो नीति है, ये जो नियत है, इसको लोगों के सामने स्पष्ट करके संघर्ष करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूंगा। मेरा ख्याल है कि हाँ, मैंने शायद समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, पर ये कि अलग अलग एक एक कानून के बारे में बात हुई तो फिर मैं फिर से जो है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। छोटी बातचीत भी, गोष्ठी में भी, ट्रेड यूनियन के साथ भी, जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा मैं जरूर चाहूंगा कि लोग जो है ये कार्यक्रम, ये सिलसिला जारी रखें। मैं वरदराजन जी को, संदीप पांडे जी को और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए ये अवसर प्रदान किया। मैं इन तमाम साथियों का, जिनको कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ और जो आज इस बातचीत में शरीक हुए और उन्होंने मेरे जैसे आदमी की बात सुनी, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो पता नहीं मेरी बात में कितनी दम थी,
लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे एक घंटे से ज्यादा बर्दाश्त किया। धन्यवाद। मजदूर का जिंदाबाद। धन्यवाद सर, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप जुड़ के आपने आपकी बात रखी और बहुत स्पष्ट तरीके से आपने बात रखी। और दूसरी बात, आपका आपके परिवार का जो दुखद अभी समय है उसमें हम सबकी प्रार्थना आपके साथ जुड़ी रहेगी, और यह स्थिति में भी आपने अपनी बातें रखने के लिए हमसे जुड़े, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मन पूर्ण शुक्रिया। और हमारे बाकी साथी अगर कुछ बात करना चाहे तो करे, इसी के साथ हम या फिर हम इस खत्म कर सकते हैं, कोई अपनी बात रख। हाँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। सर नमस्कार, मैं गौरव दीक्षित केस्को से हूँ, केस्को कानपुर से। मेरा सवाल सर से है, विष्णु शुक्ला जी से। सर पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने वर्ष 1881 से लेके और अभी तक 140 वर्षों में जो मजदूरों के लिए कानून बने उनको आपने बहुत विस्तार से बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न ये है, चूंकि समय बहुत कम है, एक शॉर्ट में प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये जो 2019 में जो ये कोड लाए हैं, गवर्नमेंट लाई है, तो क्या ये 2019 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा या नहीं? हाँ लागू। अच्छा बिल्कुल लागू जी। नहीं सर, जो भर्ती पहले है जिनकी तारीख में, हाँ कभी भी भर्ती रही लेकिन वो लागू होगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है या किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो विष्णु जी आपका बहुत धन्यवाद, और हम लोग समय समय पे आपको जो है जब भी कोई मजदूरों का मुद्दा आएगा तो हम आपको याद करेंगे। इधर मजदूरों में क्या नहीं, अब मेरी कोशिश है, चेष्टा है, आजकल मैं किसानों के साथ भी बातचीत कर रहा हूँ, तो आप किसानों की भी बात होती मुझे अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों पे जो चर्चा होगी उसमें भी आपको बुलाएंगे। ये बताइए विजया दीदी, बिल्कुल ये जो विजया दीदी बहुत परेशान है, बार बार फोन करती हैं कानपुर से कि जो ईंट भट्टा के मजदूर हैं उनका जो पंजीकरण होना है, ये जो नई व्यवस्था बनी है जिसमें वो पंजीकरण करके कुछ उनको लाभ मिलता है, ये कैसे हो, ये वो नहीं करवा पा रही है और बार बार वो आपको फोन करती है, तो ये इसके बारे में कुछ आप सुझाव दे सकते हैं कि ये कैसे हो जो ईंट भट्टे पे और जो निर्माण मजदूर है श्रम विभाग के साथ। आप भी मेरे साथ जी, जो कमिश्नर है हमारे उनकी मनसा साफ है, जो डीएम और एडीएम है उसने भी दो टूक शब्दों में कहा कि ये होना चाहिए, लेकिन जो ये हमारे यहाँ का एडिशनल लेबर कमिश्नर है ये पूरी तरीके से भट्टा मालिकों की रखेल बना हुआ है, तो ये कभी न कभी कोई ना कोई पेंच बना करके अब वो इस तरीके से करता। अब ये गौरव दीक्षित जी यहाँ पर हैं, केसा के हैं, इनका भी फार्म उसके पास जमा है और बहुत से ऐसे केसा के लोगों के फार्म जमा है जिनका की सारी फॉर्मेलिटी हो जाने के बावजूद वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है जी। ये जो ऊपर थोड़ा बहुत कोई दबाव ऐसे पड़े, वो फार्म सारे के सारे मैं जब भी जाता हूँ दिखाता है बाबू की, देखो ये रखे हैं, हम क्या करें, आप हमें इंस्पेक्टर से इनके ऊपर जो है एक पिछड़िया बैठलवा दो, मैं सबके रजिस्ट्रेशन कर दूँ। और चूंकि वो अलग अलग उसके लगे हुए हैं, और ये जो एडिशनल लेबर कमिश्नर है स्पेशल, वो कभी ना नहीं करता है और कभी काम नहीं करता है। जी जी, आने में समझ गया कि ये इनकी इनकी इच्छा शक्ति नहीं है करने की, तो हम मानसिकता नहीं। जी जी जी, जो भी दबाव हो इनके ऊपर, तो हालांकि ये पंजीकरण होने से भट्टा मालिकों या उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ मजदूर को ही लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मजदूरों का पंजीकरण हो जाने से उनकी कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, पता नहीं ऐसा क्यों। भट्टा बिल्कुल नहीं। जी जी चलिए ठीक है, तो भैया जी वहाँ तो दलाली सिस्टम है। हाँ आप बताइए अनिल जी, उन्नाव में जो आपका अनुभव रहा मजदूरों के पंजीकरण को लेकर जरा बताइए।
भैया जी बताइए। हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। हम जी उसमें है उसका पंजीकरण कर दिया दलाल। हेलो क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बहुत ठीक से नहीं आ रही जी भैया। वैसे तो आती है लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दलाली सिस्टम फिट है यहाँ पर। उन्नाव में जो परिस्थिति है वो दलाली सिस्टम फिट है और दलाल ही काम करा पाता है वहाँ। पूरा जो कर्मचारी वर्ग है वो पूर्णतया दलाल है और किसी जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसका काम ही नहीं होता। वो पैसा ना दे तो उसको कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है तो इसको तोड़ा जाना चाहिए। आपने तो धरना किया था और सब लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई लड़ने के बाद हुआ ये कि चूंकि ये नरेगा मजदूर जो है रोजगार गारंटी का गाँव का ये तो असंगठित है इसलिए वो लड़ने में सक्षम नहीं है। और हो ये रहा है कि उनके दलाल फिट हैं, सब जगह दलाल फिट किए गए हैं। अब इसमें ये सोचा जाए कि ये व्यवस्था कैसे बदले और दलाल कैसे खत्म हो। और जो दलाली में पैसा दे देता है दलाल को पूरा सिस्टम है, अलग अलग उनके रेट तय है और उनको ही लाभान्वित किया जाता है। ये हो रहा है, असली मजदूर उससे वंचित है। जी जी नहीं आपकी बात सही है। चलिए जी ठीक है। तो बात आपकी सही मिश्रा जी, बात यह है कि सुनील भाई ये कह रहे हैं कि लाभ की बात तो ठीक है, लाभ मिले वो एक अलग चीज, सरकार को देना है, बोर्ड को देना है। अभी तो रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन में किसी का कुछ नहीं जाता। रजिस्ट्रेशन तो होने दें, रजिस्ट्रेशन कर देने में क्या दिक्कत है, रजिस्ट्रेशन कर दें। जब लाभ की बात आए तो फिर ठीक है। वो दलाल आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम लोग उसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन पहले कम से कम जो बुनियादी तौर पे इसमें ना भट्टा मालिक का जा रहा है कुछ, ना जो है उसका जा रहा है सरकारी मशीनरी का, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है आपको, इसी बात की आपको तनख्वाह मिलती है, आप वो काम तो कर दो, वो नहीं कर रहे हैं। उसमें जो हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने ये कहा कि भट्टा मालिक अगर हमें लिख कर दे दे कि हमारे यहाँ उसने इतने दिन काम किया तो हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये वो जवाब दे रहे हैं। तो पहले तो एक वो सर्टिफिकेट दे काम का, और काम का 90 दिन का जब सर्टिफिकेट वो पा जाते हैं तब वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्य हैं और लड़ाई भी लड़ी जा सकती है उसकी। तो पहले तो भट्टा मालिक से काम का सर्टिफिकेट लिया जाए, तब वो लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जी 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 ये बात सही है। और कई भट्टा मालिक देते नहीं है, ये उनको ये डर लगता है कि ये दे देंगे तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बन जाएगी इन मजदूरों तो नहीं, उनके लिए तमाम परिस्थितियां हैं। उनका ये मानना है कि मजदूर को जो सुविधाएं कानूनन मिलती हैं वो देनी पड़ेंगी और वो दिखाते ही नहीं कि हमारे पास कौन कौन मजदूर है। और जब रिटर्न में उनके भट्टे मालिक से मजदूर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उनको तमाम सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो इसलिए वो जल्दी भट्टा मालिक लिखकर नहीं देते। तो इस पर थोड़ा दबाव। मैं मिश्रा जी आपको बताऊं कि कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुई, भट्टा मालिक भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, दूसरे लोग भी थे। भट्टा मालिकों ने कहा कि कहीं भी अगर कुछ हो रहा है तो हम खुद अपना आदमी भेज के रजिस्ट्रेशन है। तो कथनी करनी में बड़ा फर्क है, वो कह देते हैं उनसे देते। आज की तारीख में कानून बन गया है, अगर वो लिख के भी दे दें कि उन्होंने 40 दिन काम किया, 90 दिन काम किया, 100 दिन काम किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरीके की उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती पट्टा मालिकों के ऊपर। लेकिन और ये बात उन्हें पता भी है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। वो मांगा जाना चाहिए के सामने कह चुका हूँ, और पट्टा मालिकों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी 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 लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। वो अपने यहाँ उन मजदूरों को रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहते और उनसे मांगा जाना चाहिए और इस पर दबाव होना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था पर कि उनको काम का सर्टिफिकेट दिया जाए, तब ये लड़ाई शुरुआत हो सकती है। जी जी
ठीक है, तो अब हमें लगता है इस मीटिंग को संपन्न किया जाए और आपको बता दें